What's up, my क्या हाल चाल बच्चे फटाफट से चार्स में एक बार कंफर्म कर दो, दोन हीय सो दी कैन वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद्रीफ चालीस दिन के अंदर अंदर आपके सारे के सारे चैप्टर्स चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो सारे के सारे चैप्टर्स आपके जेई लेवल के हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं तो फटाफट से एक बार मुझे कन्फर्म कर दो वेदर यू कैन हियर मी ऑर नॉट मेरी आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल मैम क्लास लेना भूल गई ने मैम क्लास लेना नहीं भूली मेरी थोड़ी खराब हो गई है थोड़ा कोल्ड लग गया एकदम से है ना इसलिए चलिए हां जी आ रही है मैम के पास आ रही है ऑल गुड चलिए सो कैसा चल रहा है आपका ब्रीफ कैसा चल रहा है आपके शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन एंड आई एम श्योर आप बच्चों ने एक रेगुलर बेसिस पर रिविजन भी चालू कर रखी है uh, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि मैम पेपर बहुत पास आ रहा है बट अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है टॉपिक्स में तो अब आई थिंक सब बच्चों को अच्छा लग रहा है बिकॉज हर रोज आपके दो दो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं राइट है। आज मैथ्स में क्या किया था ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यस चलो मैम मेरा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस बाकी है तो अगर इतना सारा मतलब क्या कर रहे थे दो साल इतना सारा सिलेबस बाकी है बट इन केस अगर किसी का सिलेबस बहुत सारा बचा है देखो ऐसा होता है कि जब आप अ अपनी ग्यारहवीं या बारहवीं की जो जर्नी है जब आप उसको शुरू करते हो बच्चे तो एट टाइम्स आपको ये लगता है कि हाँ हम कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ एकदम अच्छे से चलेगा बट बीच बीच में बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई बच्चों को जो भी उनकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं कई बार वो चीजें समझ नहीं आती कई बार टीचर के साथ आपको वो अच्छा कनेक्ट नहीं बैठता बट मे बी वन ऑफ द अदर रीजन बट आपका वो सब्जेक्ट वीक रह जाता है बच्चे दिस इज द राइट टाइम ठीक है दिस इज द राइटेस्ट टाइम मुझे पता है कोई वर्ड नहीं है बट लेट मी टेल यू ये सबसे सही टाइम है अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को एक सही स्केल पर लेकर जाना है ठीक है तो अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग इट नाउ ऑल्सो तो वो कभी दोबारा समय आपके पास नहीं आएगा अभी तीन महीने हैं आपके पास अगर अभी भी आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर ढंग से तरीके से आप फॉलो करते हैं ठीक है थीके? अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं रिविजन पे ध्यान देते हैं तो काम बन जाएगा ठीक है बट अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो फिर आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाली है ठीक है चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपना जेई ब्रीफ हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के uh, चार चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं दिस इज द फिफ्थ चैप्टर सबसे पहले हमने जीओसी और हाइड्रोकार्बन किया था अगर किसी बच्चे का ऑर्गेनिक वीक है आपको ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप डेफिनेटली आज एक मक्खी आ गई हमारी क्लास में पता नहीं कहां से आ रही है बारी बारी तो अगर आपको ऑर्गेनिक वीक लगती है आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेक श्योर sure आपने जीओसी और हाइड्रोकार्बन का जेई ब्रीफ जरूर देखा होना चाहिए उसके बाद ग्रेड ट्वेल्थ के चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स हमने कंप्लीट किया। फिनोल, कंप्लीट किया किया फिनोल ईथर एंड आज एक बहुत ही हाई uh, वेटेज वाला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड गीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चार नंबर का सवाल यहां से आता ही आता है फॉर श्योर sure, चार नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा बस तो इस चैप्टर को फटाफट फड़ से शुरू कर देते हैं बाकी जितने भी बच्चे जेई बूस्टर का पार्ट है आई थिंक आप लोग को मजा आ रहा है है ना क्लासेस के दौरान लाइव सेशन बहुत तगड़े हो रहे हैं जहां पर आपको एक बूस्ट मिल रहा है आपके स्कोर में भी एक कॉन्फिडेंस में भी तो प्रॉपर टाइम बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं आ, आज जेई बूस्टर के तीन सेशन जो थे थर्ड सेशन था आज हमारा लाइव का तो वो कंप्लीट हुआ है नेक्स्ट वीक से वापस तो आज तक का जो टारगेट बच्चों को दिया था बच्चों ने वो टारगेट कंप्लीट किया है कल हम आपके साथ जो सेकेंड वीक का टारगेट है जो पूरा प्लानर है वो आपके साथ शेयर कर देंगे तो जितने भी बच्चे बूस्टर का पार्ट हैं आपको तो कंटिन्यू करना ही है एंड अगर और भी कोई बच्चा बूस्टर ज्वाइन करना चाहता है टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आप डेफिनेटली कर सकते हो बट जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा क्विक रहना पड़ेगा बिकॉज अगर अब सीरियस नहीं हुए तो आगे कभी टाइम नहीं मिलेगा सीरियस होने का ठीक है चलिए सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड आज अपने जई ब्रीफ के इस सेशन में हम करने वाले हैं एल्डिहाइड्स पे डिस्कशन हम डिस्कस करेंगे कीटोन्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सो देर आर थ्री टॉपिक्स जिनकी डिटेल हमने पढ़नी है एल्डिहाइड हाइट और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले कुछ रियजेंट स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ मान लो बच्चे मेरे पास एक अल्कोहल है मेरे पास क्या है एक प्राइमरी अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल में मैंने पीसीसी या फिर पीडीसी डाला पीसीसी मतलब पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर मैंने पीडीसी डाला ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं अभी हमने रिसेंटली इससे रिलेटेड भी किया था ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपके प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे बच्चे एल्डिहाइड में RCHO में अगर कल को आपके पास सेकेंडरी हुआ RCH, OH और यहां पर आर आपने सेकेंडरी अल्कोहल में पीसीसी पीडीसी डाला तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा कीटोन में कीटोन की देखो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती बट जस्ट इमेजिन आपके पास एक प्राइमरी एल्कोहल है आपने इस प्राइमरी एल्कोहल में सपोज करो के टू सी आर टू ओ सेवन डाला एसिडिक मीडियम में ये बच्चे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपकी रिएक्शन को प्राइमरी एल्कोहल तक ना रोक करके कहां तक लेकर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड मगर कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन यूजिंग के टू इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये उतनी आसान नहीं होती तो कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन उतनी आसान नहीं होती मगर प्राइमरी एल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है मैम कैन आई वॉच दिस लेक्चर इफ द चैप्टर बिफोर यस अगर आपको ऑर्गेनिक का आइडिया है तब तो मैं आपको कहूंगी कि आप ये देखें बट अगर आपको है कि, मेरी इतनी वीक है, मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी तो बच्चे उन चैप्टर्स को देखो उसके बाद ये चैप्टर्स करना तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है ठीक है बट हाँ अगर आपको आती है थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आप डेफिनेटली ये वाले चैप्टर्स जो हैं उनको देख सकते हो ये ठीक है चलिए अच्छा एक और चीज बताती हूँ तो एक तो जो हमने रियजेंट आज की क्लास में सीखा वो क्या था पीसीसी पीडीसी एक जो रियजेंट हमने क्लास में सीखा वो है के टू सी आर टू से प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दो रियजेंट आपने यहाँ पर मेरे से सीख लिए तीसरा रियजेंट अगर आपको ध्यान रखना है बच्चे मान लो मेरे पास आर सी एच टू ओ एच है वंस अगैन मेरे पास एक प्राइमरी एल्कोहल मैंने लिया है यहां पर मैंने सेकेंडरी एल्कोहल लिया है दो अल्कोहल आपको नजर आ रहे हैं एक प्राइमरी अल्कोहल है एक सेकेंडरी अल्कोहल है अगर मैं इनको हीट करती हूं बच्चे आई एम हीटिंग इट कॉपर की प्रेजेंस में अगर मैंने हीट किया या फिर आपको कॉपर लिखा हुआ मिलेगा 300 डिग्री सी टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा बच्चे यहां पर आप कह रहे हो कैटेलाइज ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कॉपर हीट या कॉपर 300 हंड्रेड डिग्री सी भी आपके प्राइमरी एल्कोहल को सीएचओ में कन्वर्ट करेगा मतलब एल्डिहाइड में और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सबको अच्छे से चमक गए ठीक है यस 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 ये चमक गए चलो एक सेकेंड तुम्हारी चैटे रुक गई है एक सेकेंड रुक जाओ हेलो हेलो एक मिनट रुकना बच्चे एक सेकेंड रुक जाओ आपकी चैट्स नहीं आ रही मेरे पास जस्ट गिव मी वन सेकेंड यस ऑडिबल है ना हाँ अब आ रही है अब आ रही है चैट्स आ रही है हाँ वो यहाँ पे लाइट का कट था तो मैं भी इसलिए नहीं मतलब वो चैट रुक गई थी बफर हो रही थी चलिए तो ये भी दूसरा क्लियर हो गया अब एक और तीसरी चीज बच्चे ये जो मैं चीज आपको कराने वाली हूँ ये हम ऑलरेडी एल्केल्कीन एलकाइन यानी कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर, कर आए हैं ये है बच्चे ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या है हमारी ओजोनोलिस रिएक्शन बड़े ध्यान से देखना सपोज करो बच्चे मेरे पास एक ओजोनोलिसिस uh, जो रिएक्शन हम कैरी आउट कराते हैं हमारी दो तरीके की ओजोनोलिसिस होती है एक होती है हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम इस टॉपिक को जितना लाइट में लेते हैं बच्चे मैं आपको बता दूं यहां से डायरेक्टली जेई का सवाल बनता है एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है एक हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है क्या है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बड़े ध्यान से समझिएगा सपोज करो मेरे पास तीन एल्किन्स हैं एक एल्कीन ये हो गया एक एल्कीन मैंने इस तरीके का ले लिया और एक एल्कीन मैंने इस तरीके का ले लिया ठीक है मेरे पास तीन डिफरेंट एल्कीन है अगर मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब है मैं ओजोन ऐड कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ओजोन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ डाई मिथाइल सल्फाइड या फिर इसको ME2S भी लिखा हुआ मिल जाता है या फिर सल्फर और दो मिथाइल ग्रुप भी लिखे हुए मिल सकते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएजेंट मैंने लिखे हैं ये रिएजेंट है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के चमक रहा है अब मैं बात करती हूँ मेरे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट की यहाँ पर हम ओजोन डालेंगे बस जिंक नहीं डालेंगे आप पानी डाल सकते हैं या फिर H2O2 डाल सकते हैं मतलब यू विल नॉट बी एडिंग जिंक आपने क्या करना है आपने C डबल बॉन्ड C को तोड़ना है यू जस्ट हैव टू ब्रेक C डबल बॉन्ड C. आपके पास आ जाएगा आर सी आर डबल बॉन्डो आर सी आर डबल बॉन्डो चमक रहा है अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो आपने बस डबल बॉन्ड तोड़ के एक C डबल बॉन्ड ओ बना देना है डबल बॉन्ड तोड़ो और C डबल बॉन्ड ओ बना दो डबल बॉन्ड तोड़ो आर सी आर डबल बॉन्डो एच सी डबल बॉन्डो एच ये चमक गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वही है जो आपने बचपन से सीख रखी है मगर अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करूं जैसे ही आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ना है अगर आपके पास दो आर ग्रुप है आपका आंसर कीटोन बनेगा मेरे पास दो आर ग्रुप है मेरा आंसर क्या रहेगा कीटोन कोई टेंशन नहीं लेनी अगर मेरे पास एक आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन है मेरा आंसर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड देखो यहां मेरे पास दो आर ग्रुप है मेरा आंसर कीटोन आएगा यहां पर मेरे पास एक एक आर ग्रुप और एच है मेरा आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मेरे पास दोनों ही हाइड्रोजन है एक भी आर ग्रुप नहीं है तो आपका आंसर आएगा सीओ टू तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा आर सी आर डबल बॉन्ड ओ साथ में बन जाएगा सीओ टू बस इतना आपको चमकना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ज्यादा सवाल आ, जब भी पूछा जाएगा तो जनरली यही पूछा जाता है एक हाईर स्केल पे पूछ लेगा तो यहां तक पूछेगा इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ठीक है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्लियर है आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे यू विल डू वन क्वेश्चन सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये जेई मेन्स का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी आपसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता जेई मेन्स दो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है करके बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा ठीक है जिंक के प्रेजेंस एच टू ओ टू के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव जोनोलिसिस होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है डन वेरी गुड यहां तक तो क्लियर हो गया थमनेल रॉन्ग है चलो मैं चेक कर लूंगी है ना मैं चेक कर लूंगी मे बी uh, कुछ गलत अपडेट हो गया होगा आई विल चेक आंसर आ रहा <coughs> है आंसर आया तो बताइए क्या कह रहा है ये कह रहा है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर ए के अंदर ओजोन डाला जिंक वाटर बी के अंदर ओजोन डाला जिंक वाटर मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है ओजोनोलिसिस तो अच्छा दे रखी है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब है कह रहा है इथेन वन टू डाई कार्बल्डिहाइड मतलब इथेन है और दो CHO हैं बच्चे जब मेरे पास ध्यान से देखना मान लो मेरे पास ये दो CHO है अगर मैं इसको मेन फंक्शनल ग्रुप लेती हूँ तो ये वाला बेचारा मेरा बुरा मान जाएगा है ना तो जब भी आप कभी आपके बाहुबली फंक्शनल ग्रुप को जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है जब भी आप दोनों को कंसीडर ना कर सके नंबरिंग में तो हम इन दोनों को ही छोड़ देंगे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 देख रहे हो Ethan, और ये जो आपके दो नाम हैं इनका नाम होना चाहिए था अल मगर हमें इनको स्पेशल नेम देना पड़ता मैंने आपको सिखाया था जो भी और ग्लायोक्ल तो आना चाहिए ग्लायक्ल कुछ ऐसे होता है ग्लायोगल कुछ ये होता इसको है, है. आ, इसको ग्लायक्ल बोलते हैं ठीक है इसको ग्लायक्ल आना चाहिए और कह रहा है इथेन वन टू डाई कार्बलडिहाइड आना चाहिए ठीक है मैंने कहा मैम वन मिथाइल साइक्लोहेक्स वन थ्री डाई क्या क्या ऑप्शन दे रखा है वन पे मिथाइल है साइक्लोहेक्स और वन और थ्री पे ये वन टू ये थ्री हो गया ये वन ये टू ये थ्री ये है कह रहा है अगर आप इसको तोड़ोगे मान लो अगर आपने ये तोड़ा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए मेरे पास एक तो सी डबल बॉन्ड हो आना चाहिए मतलब मेरे पास एक कीटोन ग्रुप बनना चाहिए क्या मेरे मॉलिक्यूल में मुझे कीटोन दिखाई दे रहा नहीं मुझे मेरे मॉलिक्यूल में कीटोन नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने कहा मैम ए तो आंसर नहीं होगा दूसरा है साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स डाइन और डी भी आंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर मैंने ओजोनोलिसिस करी इस कार्बन पे मेरे पास दो आर ग्रुप है तो मेरा आंसर कीटोन आना चाहिए जो कि नहीं है तो फॉर श्योर मेरा आंसर ए और डी तो नहीं हो सकता मेरा आंसर क्या होगा या तो बी होना चाहिए या सी होना चाहिए चलो देख लेते हैं साइक्लोहेक्स वन थ्री डाईन ये रहा साइक्लोहेक्स वन सी डाइन अगर मान लो कोई मुझे कहे यहां से तोड़ो यहां से तोड़ो तो क्या बन जाएगा एक ये एक ये एक ये यहां सी डबल बॉन्ड हो एच लगा दो यहां पर भी सी डबल बॉन्ड हो एच लगा दो और ये क्या बन जाएगा देखो एक कार्बन ये एक कार्बन ये ठीक है ना ये देखो एक कार्बन ये एक कार्बन ये यहां डबल बॉन्ड हो लगा दो यहां डबल बॉन्ड हो लगा दो चमक रहा है ये मुझे क्लियर हो गया कि दिख गया मैम ये देखो इस कार्बन पे सी एच ओ इस कार्बन पे सी एच ओ ग्लायोक्सल बन गया इस कार्बन पे CHO फिर एक CH2 CH2 CHO तो मैंने कहा मैम ये तो ठीक है या तो आंसर मेरा होना चाहिए B या आंसर होना चाहिए C क्या है अब दूसरे वाले से पता चलेगा कह रहे है B के अंदर जब ओजोन डालते हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में 5 ऑक्सो हेक्सेनल बनता है क्या बनता है 5 ऑक्सो हेक्सेनल देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया हेक्स नल एक दो तीन चार पांच पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड राइट अब ये मुझे किससे मिलेगा मैंने कहा एक दे रखा है मेरे को, मेरे को साइक्लोपेंटीन पास क्या दे रखा है बच्चे साइक्लोपेंटीन अगर आप साइक्लोपेंटीन को खोलो बड़े ध्यान से देखना अगर आप आपके पास क्या दे रखा है साइक्लोपेंटीन तो भाई मेरे पास तो दोनों ही एल्डिहाइड बनने चाहिए ना मेरे को एक कीटोन मिल रहा है एक एल्डिहाइड मिल रहा है तो मतलब मेरा आंसर साइक्लोपेंटीन भी नहीं है दूसरा क्या दे रखा है वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन ये देखो कह रहा है वन पे मिथाइल कर दो साइक्लोपेंटीन मैंने कहा अब इसको इसको तोड़ के देखो जब तोड़ोगे तो यहां कीटोन मिलेगा यहां मिलेगा एल्डिहाइड मतलब मेरे पास एक एल्डिहाइड एक कीटोन आना चाहिए तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी जेई मीन 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहा है ठीक है Okay, बट तो uh, अगर आपको अभी अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ना है एंड दैट टू मुझे का पढ़ना है तो आप जिद में से फॉलो कर सकते हैं मैंने जिद में अब डे तो मुझे नहीं याद है जिद का कौन सा डे पे हमने कोऑर्डिनेशन किया था तो मैं ये सोच रू कि आपका प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दूंगी जिद का और मतलब टॉपिक वाइज डाल दूंगी कि इस, इस, इस दिन हमने पी ब्लॉक किया इस, इस, इस दिन कोऑर्डिनेशन किया तो आप वहां से जिद से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ठीक है चलो तो ये सवाल भी आपको समझ आ गया आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आएंगे आपको प्रोडक्ट्स दे रखे होंगे और पता करना है कि इनका रिएक्टेंट क्या होगा अगर मुझे ओजोनोलिसिस करानी है ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक सुपर 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान से सुनना अलग अलग कराऊंगी मेरे पास आर सी ओ आर है मेरे पास आर सी ओ सी एल है ठीक है इस सी एल की जगह आप कोई एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हैं अगर मैंने इनकी रिएक्शन सपोज करो आर एम जी एक्स के साथ कराई क्या होता है हम पढ़कर आए थे हालोजन में कि मैं, होता है। बनता कैसे है कल को अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हेलाइट दे रखा होगा मतलब मान लो क्लोरोबेंजीन भी क्यों ना दे रखा हो अगर इसके अंदर आपने मैग्नीशियम डाला ये क्या बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव ध्यान से देखो मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा सी एक्स आ गया मतलब आर एक्स के बीच में मैग्नीशियम डालेंगे जनरली ये रिएक्शन डीई ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा आर एम जी एक्स ये चमका बच्चे पहले आर एक्स के R पे डेल्टा पॉजिटिव था मगर अब आर एम जी एक्स के R पे क्या है डेल्टा नेगेटिव तो ये R पे जो डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस आपको नजर आ रहा है ये किसी पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेगा उसने देखा कि यार कार्बोनिल के कार्बन पर डेल्टा प्लस है ये r माइनस आया इस पे अटैक किया और ऊपर चला गया r माइनस आया अटैक किया ऊपर चला गया r माइनस आया अटैक किया ऊपर चला गया कुछ मुश्किल तो नहीं लगा अब होगा क्या ये r ये c o माइनस एक h है ये r आके यहां पर जुड़ गया क्या बन गया r और ये बन गया o mgx ये mgx वाला पार्ट ऊपर चला गया चमक रहा है सेम यहां पर करो एक आर सी माई बैग यहां पर एक एच था मैंने गलती से आर चिपका दिया है ना ये भी बनाएगा ओ माइनस एम जी एक्स अच्छा सही था एक एच हमने नीचे लिखा है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है यहां पर ऑलरेडी एक आर था और एक आर ये आर एम जी एक्स वाला आया सेम चीज आपने यहां पर भी करी कि मैम एक आर है ना एक हमारा आर है इस आर को हमने सी से जोड़ रखा है ओ माइनस एम जी एक्स है यहां पर एक सीएल है और एक नया R आ गया ध्यान से सुनना मैं आपको हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चे जब O माइनस कम बैक करने की कोशिश करेगा जैसे इस केस में O माइनस कम बैक करने की कोशिश करेगा उसने देखा अगर मेरे पास सी एल माइनस है या फिर कोई एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है तो वो धक्के मारकर इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा मतलब मेरे पास आर सी आपको दिखा कि मेरे पास जो असाइल हलाइड आर सीओ हुआ करता था आज कीटोन में कन्वर्ट हो गया ठीक है मगर अगर मेरे मॉलिक्यूल के अंदर एच है या आर है आर और एच दे आर वेरी 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 पुअर लिविंग ग्रो बच्चे ये लीव ही नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप चुपचाप से पानी पिएंगे ठीक है ना आप चुपचाप से मैंने उस दिन आपको स्टोरी सुनाई थी कि तुम सो रहे थे साढ़े आठ बज गई मम्मी ने आके जोर से चपेट मारी तो तुम चिल्ला नहीं सकते मम्मी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि मम्मी प्लीज लीव द रूम छोटा भाई या बहन आता तो उसको तुम दो थप्पड़ मार के भेज देते प्लीज लीव द रूम प्लीज भी नहीं बोलते सीधा लात मार के कहते लीव द रूम वो यहाँ पर हुआ मगर मम्मी या पापा या दादा या दादी या बड़ी बहन या बड़ा भाई आकर बोले और वो आर और एच है उनको तुम बोल नहीं सकते कि लीव द रूम तो कुछ नहीं करना तुम्हारा आंसर अल्कोहल तक आ जाएगा हमारा आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वी विल बी गेटिंग एल्कोहल ये थी हमारी ग्रिगनाड रिएजेंट की रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप एक और चीज सीख लीजिए अगर आपने स्टार्ट किया फॉर के साथ या फिर आप किसी एल्डिहाइड के साथ स्टार्ट करें या फिर आप कीटोन के साथ स्टार्ट करें आप आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन देती हूँ ये इधर आया ये सब कुछ से। तो देखो। किस में हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा प्राइमरी एल्कोहल में अगर मेरे पास ऑलरेडी एल्डिहाइड है तो वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चे सेकेंडरी एल्कोहल में और अगर मेरे पास कीटोन है कीटोन तो मेरा कीटोन किसमें कन्वर्ट होगा बच्चे टर्शरी एल्कोहल मेरा कीटोन किसमें कन्वर्ट होगा टर्शरी एल्कोहल चमक रहा है लिख लो फॉर किसमें कन्वर्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल की एल्डिहाइड एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन किसमें कन्वर्ट होता है टर्शरी एल्कोहल चमक गया यह यहां तक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे प्रीवियस या क्वेश्चन ये रुकना है आपको ये हो गया है हमारा ठीक है ये अभी हम करेंगे ये क्वेश्चन अभी खैर कर पाओगे नहीं कर पाओगे अभी रुक जाओ या तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो डू दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन करिए एंड आंसर दीजिए प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर डाउट हां जी डाउट पूछिए मैम मेंस के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म करना चाहिए बच्चे अगर इस तरीके के सवाल है तो यहां के लिए आपको मैकेनिज्म आने चाहिए मतलब आप कहो कि मुझे हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए मेंस के लिए तो नॉट रिक्वायर्ड ठीक है हर रिएक्शन का मैकेनिज्म मेन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बट कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं उनका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए ठीक है हाँ जी हमारी चैट्स को मतलब ये वो बना दिया गया है है ना क्या ना तो ये प्रपोजल डॉट कॉम ना शादी डॉट कॉम की वेबसाइट है कि एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ ये मतलब ये स्टूपिडिटी बंद कर दो मेरी चैट में नहीं तो ब्लॉक करवा दूंगी मैं स्टूपिडिटी बंद हो जानी चाहिए नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे अगले पांच दस मिनट में आ गया आंसर देखिए कह ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट कह कैरे कहां पर एसिटोफिनोन नहीं बनेगा मैंने कहा देखते हैं यह क्या है R है, C6H5 है. यहां करके दिखा C6H5 है C नहीं तो, तो तुम इतना एक ही में लगा दोगे, स्पीड कहां से आएगी तो क्या याद रखोगे मैम सी एच थ्री यहाँ पर आ जाएगा और यहां पर हमारे पास ओ OH एच आ जाएगा शॉर्टकट सीख लिया अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैम ये तो सेकेंडरी एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल में टू एन ए टू सी आर टू ओ सेवन या के टू सी आर टू ओ सेवन डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा की कन्वर्ट हो जाएगा या यहां पर C है C डबल बॉन्ड O और H है सी सिक्स एच फाइव एमजी बी आर मतलब यहां पर बेंजीन की रिएक्शन कराई बेंजीन को हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ये इधर आया ये OH आ गया क्या बन गया सी सी एच OH और बिल्कुल सही कह रहे, फिर पीसीसी डीसीएम की प्रेजेंस में कराया मैंने कहा ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी इसमें कन्वर्ट कर देगा तो बी से भी हमारा बन जाएगा मतलब बी भी मेरा आंसर नहीं है आगे वो कह रहा है सी सिक्स एच फाइव ओके सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी टू एच फाइव एस्टर दे दिया बच्चे अब एस्टर का ओ सी टू एच फाइव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है आप कह रहे दो मोल सी एच थ्री एम जी बी आर डालो तो एक बार आपने सी एच थ्री एम जी बी आर डाला ये इधर आया ये ऊपर गया क्या बन गया सी सिक्स एच फाइव सी ओ माइनस एक सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव जब ये कम बैक करेगा अब तो अरर ये ओ सी एच ओ सी टू एच फाइव को धक्के मार के बाहर निकाल देगा आपके पास बन गया मेरे को दिखाई दिया कि आपके पास एसिटोफिनोन बना मगर उसने क्वेश्चन में ध्यान से देखो दो मोल सी सिक्स एच फाइव के डाल रखे तो दोबारा अगर आपने इसमें सी डाला तो आपकी रिएक्शन तो फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी ना याद आ गया मेरे पास टर्शरी एल्कोहल आएगा तो मेरी रिएक्शन एसिटोफिनोन तक नहीं रुकी यानी कि मतलब ये जो सी है गलत मेथड है प्रिपरेशन का एंड हेंस हमारा सही आंसर है चमक गया इस क्वेश्चन इस का जो सही आंसर था वो था सी ठीक है डन है आप एक अगला और चीज देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारी है बहुत अच्छे स्केल पे आपसे पेपर में पूछी जाती है बच्चे सपोज करो आपके पास साइनाइड की आप आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो आर पे माइनस सी पे डेल्टा प्लस अब ये इधर आएगा ये एन पे माइनस चला जाएगा क्या बन जाएगा आपके पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड एन माइनस एम जी एक्स जो भी जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हुआ करता था वैसे आपको सी डबल बॉन्ड एन माइनस दिखाई दे गया और एक आर ग्रुप यहाँ आ गया दिख रहा है आपने कुछ नहीं करना आप इसकी बस एक बार हाइड्रोलिसिस कर दो जब आप एक बार इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे आपके पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये चमका आपके पास डायरेक्टली आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आ जाएगा एक नई चीज आप मेरे सेल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग आपके पास साइनाइड है सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन आप अगर साइनाइड की लेटर से रिडक्शन करते हैं ठीक है ना टेन एस एन सी एल टू एच सी एल की प्रेजेंस में ध्यान से देखो आपने एस एंड सी एल टू एच सी एल की प्रेजेंस में रिडक्शन करी ये बनाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड एन एच एंड आपको मैं बता दू कभी भी लाइफ में आपको सी एच डबल बॉन्ड एन एच दिखाई दे अगर इसमें कोई पानी डालेगा तो आप उसमें सीधा CH डबल बॉन्ड NH को तोड़ के सी एच ओ लिख देना आप सीधा CH डबल बॉन्ड एन एच को तोड़ के सीएचओ लिख सकते हो डायरेक्ट इस चीज को आप याद रख सकते हो क्या ये कहानी चमक गई तो अगर आपके पास ठीक है अगर आपके पास लेटर साइनाइड है आपने इसके अंदर एस एन सी एल टू और एच सी एल की रिएक्शन कराई है ठीक है एस एन सी एल टू एच सी एल की रिएक्शन कराई है डायरेक्टली आप इसमें हाइड्रोलिसिस कर दो बाद में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इसको स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं एस टी पी -E एच ई एंड -E स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन को डायरेक्टली एल्डिहाइड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं पहले एच है, फिर एल डालिए आपके पास बन जाएगा सी एच ओ लास्ट में चमक गया ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर हो गया अब एक अगला सवाल आप करके देखेंगे मतलब एक अगली छोटी सी थियोरी वाला पार्ट सिखाती हूँ आपको आ, क्या था यस yes. अच्छा आपको ये पता है कि अगर मैंने आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की ठीक है वैसे तो ये अमीन चैप्टर में कराते हैं बट अभी भी करा रही हूं अगर आपने इसके अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया एस एन सी एल टू में एंड देन आपने बाद में हाइड्रोलिसिस कर दी आर सी एच ओ बन जाता है बच्चे अगर आपने साइनाइड के अंदर डिबाल एच डाला डिबाल एच का मतलब होता है डाई डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आप एक शॉर्टकट डायरेक्टली याद कर सकते हैं ये एच माइनस डोनर होता है कल को आपको डाई आइसो ब्यूटाइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डिबाल एच डला हुआ मिले आप साइनाइड को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द साइनाइड टू एल्डिहाइड समझ गया अब ये होता क्या है क्या है देखो डाई आइसोब्यूटाइड देखो पहले तो आइसो प्रोपाइल सीखो इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं राइट ये यहां से जुड़ा है तो ये सी एच थ्री सी एच थ्री यहां सी एच तो ये आपको आइसो प्रोपाइल हो गया अब मुझे आइसो बनाना है ये मेरा आइसोब्यूटाइल हो गया ठीक है ये मेरा आइसोब्यूटाइल हो गया दिख गया तो आइसो ब्यूटाइल और ऐसे मुझे दो चाहिए तो एक ये एक सी एच टू और ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिख गया एल एच डाई आइसोब्यूटाइल देखो डाई मतलब दो आइसो बूटाइल डाई आइसो बूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिबाल एच दिख जाए या ऐसे लिखा हुआ मिले आइसोब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल और ऐसे दो ए एल एच इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है या तो वो आपको यह लिख के दे दें या ये लिख के दे दे या ये बना के दे दे या ये बना के दे दे आपने डाई आपनेल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेना है आपका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड चमक गया ये इंपॉर्टेंट चीज थी अब मुझे एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ठीक है आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा या थोड़ा सा और सीखना चाहते हो तो सीख लो चलो एक और चीज सीखते हैं ध्यान से सुनो ये हम पढ़ कर आए मतलब जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाते हैं वी हैव सो मेनी रिएक्शंस विच विल बी रिपीट रिएक्शंस जैसे आपके पास है लेट से आर सी ओ आर ठीक है कार्बोनिल ग्रुप है अगर मैंने इसके अंदर एच डी डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल इसको बोलते हैं क्लीमेंस रिडक्शन इनके मैकेनिजम्स में तो आपको मेंस में नहीं करने नो वन इज गोइंग टू आस्क यू मैकेज फॉर सच रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उनके मैकेनिज्म में आपको खुद कराऊंगी तो अगर आपने इसके अंदर जेड एन एच जी एच सी एल कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल डाला या फिर आप इसके अंदर हाइड्राजीन एन टू एच फोर डालो ठीक है ये NH2, NH2 लिखा, हुआ मिल जाए, N2H4 लिखा हुआ मिल जाए या फिर ठीक है हाइड्राजीन लिखा हुआ मिल जाए ये कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है हाइड्राजीन आप डाल रहे हो के ओ एच की प्रेजेंस में तो आपको बस एक शॉर्टकट याद करना है जहां जहां सी डबल बॉन्ड होगा वहां वहां सी एच टू बना देना जहां जहां सी डबल बॉन्ड होगा वहां वहां आप एक सी एच टू बना देना चमक गया आपका सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू में कन्वर्ट हो जाता है दो मेथड है एक क्लिमेंसन रिडक्शन एक वुल्फ कृष्णर रिडक्शन इसको बोलते हैं वुल्फ कृष्णर रिडक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपके अगर एल्डिहाइड, डी कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई भी सवाल आएगा ना इन नोट्स के बाहर आने की संभावना काफी कम है इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है ये कहानी क्लियर है अब आप खुशी खुशी एक क्वेश्चन करके मुझे दिखाएंगे यू विल डू वन क्वेश्चन ये जेई मेन्स जेई मेन्स दो का प्रीवियस क्वेश्चन है पीवाई क्यू जेई मेन्स दो हजार बाईस please tell me what do you think will be the answer for this question c का करेक्ट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए जेई मेंस 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखिए होता है या नहीं मेन से पहले एक बार कोटा जरूर आना हम हाँ बिल्कुल बच्चे कोशिश करते हैं अभी तो इतनी सारी क्लासेस होती है इतना पैक्ड है है ना मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती अभी तो <laughs> अच्छा थंबनेल गलत है चेक कर लेती हूं मैं 1 मिनट अभी लाइव क्लास के दौरान चेंज अरे भैया यार ये कौन सिलेबस रिड्यूस के भाई तुम पढ़ लो यार एक तो मतलब क्या ही मैं बोलू लोगों को दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का ऐसा शौक है ना सिलेबस रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस भाई नोटिफिकेशन आएगा अपने आप सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा व्यूज के चक्कर में पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं मतलब सीरियसली यार भाई तुम मत मत इधर उधर भटको ठीक है एक, एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हें आधे घंटे नहीं एक घंटे नहीं दो घंटे में पता तो चल जाएगा ना कि क्या मतलब लोग भी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे हर जिसको उठा के देखो सिलेबस रिड्यूस रूमर है ये है वो है यार मतलब बस करो है ना बस करो तुम भी बस करो और लोगों को भी मैं कहूंगी कि बस करो

तुम्हें आधे घंटे में पता चल गया ठीक है जैसे ही मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ तुम्हें उसी टाइम पता चल गया हर दुनिया भर की वीडियो पे क्लिक करके देख रही यही तो दुनिया चार ही यही तो लोग चाह रहे हैं वो वेली वेली वीडियोस वीडियोस बनाए तुम वेली वेली वीडियोस पे जाके है ना क्लिक करके देखो अरे भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया बाद में अंदर जाके खोखला कुछ पता ही ना चले रिड्यूस हुआ या नहीं तो बस करो यार ठीक है हर एक इंसान को कहूंगी बच्चों का भी टाइम वेस्ट करना बंद करो और बच्चों को भी कहूंगी यार अपना खुद का भविष्य सुधारो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी ना कि सिलेबस रिड्यूस हो गया तुम्हें कितनी देर में आधे घंटे में पौने घंटे में एक घंटे में पता चल ही जाएगा ना है ना पता चल जाएगा तो अभी ये रिड्यूस मैम नीट वालों का हो गया हमारा न्यू हमारा न्यू हमारा न्यू हो। हो, होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना होगा तो भी देखा जाएगा बट टेंशन लेके या इधर उधर की टाइम पास करके सिलेबस तो कम हो गया तो तुम्हारा तो बड़ा फायदा हो गया जैसे आज तक तो मतलब पता नहीं अः इतना सारा पढ़ लिया कि हाई अब सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा तो पता नहीं मतलब है ना दुनिया लुट जाएगी बंद करो यार मतलब मैं YouTube पे चालू कर रही थी कि तुम्हारे वो देखो है कि ये तुम बोल रहे रॉन्ग थमने कहा वो चेक करती हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है यार मैं देख रही हूं मतलब अलग ही लोग सिलेबस रिड्यूस्ड अब एक मिनट रुको एक मिनट रुक जाओ मेरे को देखने दो हाँ ये बाद में देखेंगे ठीक है हाथ थमनेल रॉन्ग आ रहे हैं मैंने अभी चेक किया बट विल चेक इट लेटर ऑन ठीक है विल चेक इट लेटर ऑन ब्यूटेन आ रहा है आंसर बच्चों का लेट्स सी क्या कह रहे हैं सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एम ओके okay. अरे भाई कह रहा है सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करो हम करेंगे भैया हमारी मैम ने सिखाया ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी यहाँ पर सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन माइनस एम जी बी आर अब क्या कह रहा है ये ए बन गया कह रहा है भाई ए की हाइड्रोलिसिस करा दो हाइड्रोलिसिस कराने से सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री ये बी बन गया दिख रहा है बी बन गया अब कह रहे हैं इसके अंदर जेड एन एच जी एच सी एल डाल दो अरे अभी अभी हम सीख कर आए हैं सी 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 आ गया क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी रिएजेंट था जो तुमने ना पढ़ा हो है ना कि मैम ये रिएजेंट तो हमारे टीचरों ने क्या हमारी एनसीईआरटी में क्या हमारे नोट्स में कहीं दिखाई नहीं बन गया ना सवाल तो ये जो अंदर का वहम है ना कि ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल आती है इतने गंदे गंदे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में होंगे कि सवाल नहीं बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये तुम्हारे सामने है और ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोई मैं बहुत सदियों पुराना सवाल नहीं लेकर आई कि बहुत पुराना है पता नहीं अब तो मुश्किल आते होंगे 2022 का पीवाई जो कि तुमसे बना तो जस्ट अ फेथ जितना भी तुमने कर रखा उस पर थोड़ा सा विश्वास रखो अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे कोई टेंशन नहीं लेनी बस हर दो, दो चीजें नहीं करनी ऑर्गेनिक में ये कि हमें हर एक का मैकेनिज्म नहीं आता ये भी गलत है और हमें दुनिया भर की रिएक्शनों का मैकेनिज्म करना है ये भी गलत है तो थोड़ा सिस्टमैटिक चलो जहां पर टीचर कह रहे हैं मैकेनिज्म की जरूरत है वो करो जहां टीचर कह रहे नहीं चाहिए आप स्किप करके आगे बढ़ो उन उनपे है ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ आगे बढ़ते जाओ अब यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं पे उसने कहा कि इसका मैकेनिज्म करके दिखाओ और तुम पीछे पड़ जाओ हमें तो मैकेनिज्म नहीं सिखाया हमें तो मैकेनिज्म नहीं सिखाया तो फिर तुम सीख लोगे भी तो क्या कर लोगे पेपर में यहाँ थोड़ी ना रिक्वायर्ड है मैकेनिज्म बच्चा यहाँ पे फटाफट आंसर आगे बढ़ेगा तुम ही करते रहना ऐसा मत करना ठीक है चलिए अब एक और चीज सीखो बच्चे ये है हमारी रिडक्शन रिएक्शन पहली बात तो जितनी भी हमारी नेम रिएक्शन होती है ना ये नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि नेम रिएक्शन से डायरेक्टली सवाल आता है सपोज करो बच्चे मेरे पास है सी एच थ्री सी एल और इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पलेडियम एंड बी तो मेरी जो रिएक्शन है उसको मैंने एल्डिहाइड तक रोक दिया यूजिंग हाइड्रोजन पैलेडियम बी एसओ फोर एंड द रिएक्शन इज नोन एज रोजन रिडक्शन ठीक है आर सीओ सी एल प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पेलेडियम बी एसओ फोर बी एसओ फोर करेगा है ना और रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोक देगा ये ठीक है है रिडक्शन क्लियर अब एक और नेम रिएक्शन सुन लो विच इज इंपॉर्टेंट इस नेम रिएक्शन का नाम है बच्चे एच वी जेड रिएक्शन वंस अगेन आपको मैकेनिज्म आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन पूछी जाती है आपके एनसीईआरटी में है स्पेलिंग देखो मुझे आती नहीं है हेल ठीक है ठीक है मैं नहीं तो ना स्पेलिंग देख लेती हूँ हमेशा आज मेरे को दिख नहीं रही है spelling. नहीं तो मैं लिख लेती हूँ इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो एच वी जेड रिएक्शन हेल लिंस जिलिंसकी रिएक्शन क्या होती है ध्यान से देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में आप डालो रेड फास्फोरस Br2 की प्रेजेंस में या फिर आपको बुक वाला डाल के देगा PBr3 या फिर बुक वाला डाल के देगा फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन या फिर बुक वाला डाल के देगा रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या फिर बुक वाला डाल के दे देगा PCl3 या फिर बुक वाला डाल के दे देगा फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन मतलब इनमें से कुछ भी डाल दे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना तो इसको सबसे डला होगा एच थ्री ओ प्लस टू पे क्या H3O+. आपने कुछ नहीं करना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट कर देना क्या करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट कर दो मतलब मतलब मैम मतलब ये कि जो COH है ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है जो हमारा COH है क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप इसके बाजू वाला कार्बन क्या है एल्फा कार्बन क्या है एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन पर एक हेलोजन चिपका दो द रिएक्शन इज नोन एज एच वी जेड रिएक्शन हेल वोहलाट जेलिंस्की रिएक्शन चमक गया मैम इज दिस थियरी अनफ फॉर जेई बिकॉज दे आर इन शॉर्ट लेंथ देन बाउंस बैक नहीं बच्चे मैं आपको अभी भी बोलूंगी, देखो, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है ठीक है कुछ गलत गाइड करूं मैं आपको सारी चीज़ हमेशा चाहे तुम के बच्चे हो, या तुम के बच्चे हो या पहले से हमें फॉलो कर रहे हो या आज फॉलो कर रहे हो बच्चे मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज बताऊंगी बाउंस बैक में हमने मेन्स प्लस एडवांस की सारी चीजें कवर करी थी राइट आपको लगता है कि मैम हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एकदम लेंथ में देखना चाहते हैं आप डेफिनेटली बाउंस बैक से देख सकते हो वहां पर भी हमने खून पसीना एक करके क्लास ली थी ठीक है खूब मेहनत करी थी वहां पर भी बट एक ही प्रॉब्लम है कि अब उसके क्वेश्चन थोड़े पुराने 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 हो गए हैं क्योंकि हमने वहां पर पुराने -पुराने सवाल कर मतलब उस टाइम पे कराए थे है ना अब जो रिसेंट सवाल है वो उसमें नहीं होंगे तो दैट इज वन थिंग अगर आपका टारगेट है कि मैम और मैं ये भी कहना चाहूंगी बच्चे अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ आप ना ये दो महीने ही पढ़ते हो ठीक है आप ये अक्टूबर और नवंबर ही पढ़ते हो डिस तो आप लोग का या तो स्कूल के प्रैक्टिकलों में जाता है या फिर टेंशन में जाता है जो ड्रॉपर होता है उसका टेंशन में महीना चला जाता है जो ट्वेल्थ गोइंग स्टूडेंट है उसका प्रैक्टिकल में महीना चला जाता है तो आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे पास तीन साढ़े तीन महीने हैं बट जेन्युनली अगर आप देखोगे तो आपके पास यही दो सवा दो ढाई महीने का ही टाइम एक्चुअली बचा है तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मैं मतलब मेरे को मेन्स का पूरा आना चाहिए मेरे पी बनने चाहिए ये हो जाता है ना आपका दिसंबर तक एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट आप एडवांस का जितना मर्जी पढ़ो कोई मना नहीं है ऐसा मत करना देख रहे हैं मैम है ना एक हफ्ते तो हमने काम किया उसके बाद तो मैम ना हम आठ घंटे का देख रहे ना हम दो घंटे का देख रहे हैं वो किसी फायदे का नहीं है बूस्टर में जो बच्चे है ना उनके उनको भी मैं यही कहती हूँ कि जो आपको वीक का टारगेट दिया गया ना

आपका टाइम टेबल होना चाहिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे तो बिल्कुल मत करना हमने एक चीज फॉलो करनी शुरू करी हम पंद्रह दिन तो किए सोलवें दिन का आता पता ही नहीं फिर वो पंद्रह दिन ना बेकार थे इससे अच्छा वो पंद्रह दिन ना देखे होते वो सेशन तुमने तो कोई भी एक चीज उठा लो और उसको कॉन्स्टेंटली करो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती कॉन्स्टेंटली ये नहीं कि अभी दो चैप्टर यहां से कर रहे दो चैप्टर यहां से कर रहे दो चैप्टर यहां से कर रहे उसका कोई फायदा नहीं तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ठीक है तो इसीलिए ब्रीफ मैं आपको फॉलो करने को इसलिए बोल रही बोलूँ कि आपका मेंस का सारा कंटेंट एकदम निचोड़ वाइज आ जाएगा इतना हो गया ना आपको खुद लगेगा यार 80 -85 मेरा कवर हो गया। जब एटी एटी फाइव परसेंट चैप्टर का आता होगा ना फिर 15 प्रतिशत और पढ़ना मुश्किल नहीं लगता तुम खड़े हो जीरो पे तुम्हें जाना है हंड्रेड तक तो वो सफर तय करने की हिम्मत होनी चाहिए है वो हिम्मत है वो कंसिस्टेंसी कि हम कर लेंगे तो डेफिनेटली करो बट है कि नहीं मैम हम तो एक हफ्ता फॉलो करके फिर गायब भी हो जाते हैं उसका फिर कोई फायदा नहीं होता ठीक है तो एचवीजेड रिएक्शन भी सबको क्लियर हो गया एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी तभी सुंदर लगती है तभी मजा आता है जब आपके क्वेश्चंस बन रहे हो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हो तो थ्योरी का कोई फायदा नहीं है ठीक है चलिए जल्दी से बताइए डू यू थिंक इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आया क्या लगता है व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गौर द आंसर चलिए करके देखते हैं कह रहे विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल कौन सा रिएक्टेंट है जो ये वाला एल्कोहल देगा On reaction with one mole of Mgbr, up followed by hydrolysis. Mgbr आ रहे। ये जाएगा, ये जाएगा. तो हमें पता है कि मैम हमारा आंसर कीटोन तक आ जाएगा ये मेरा बेंजीन है ना ये हम ऐसे बेंजीन बनाते हैं शॉर्टकट तो ये तो आंसर नहीं है अब वो कह रहे हैं सी सिक्स एच फाइव दोबारा देखो सी सिक्स एच फाइव सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो C6H5MgBr तो ये आएगा फिर भी तो रिएक्शन कीटोन तक ही रुकेगी ना वो एसीटोफीनोन था ये बेंजोफीनोन है तो ये भी मेरा आंसर नहीं है फिर कह रहा है CH3CO ये कह रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OC6H5 है जब आप C6H5 को लेकर आओगे ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा भाई ये कम जब ये वापस है ना मूव करेगा यहां से ये है। तो फिर कीटोन तक आ जाएगा देख रहे कीटोन तक आ गया। तो ये भी नहीं आंसर सही है मुझे टर्शरी एल्कोहल चाहिए तो मुझे स्टार्ट किससे करना पड़ेगा कीटोन से तो मैंने इससे स्टार्ट किया ये सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री मेरे पास इसका अटैक हुआ ये इधर आया ये इधर गया क्या बन जाएगा दिस सी यहाँ OH एच दिस सी एच थ्री यही यही तो 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 बनाना था, गया, हो? सवाल आपके पेपर के हैं, 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 ये ये अगर आपसे बन रहे हैं, तो भाई आप कर लोगे मेंस का, थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है बाकी तुमसे हो जाएंगे डरने वरने की जरूरत नहीं है अच्छा अब मैं आपको फिर से थोड़ी सी नेम रियक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक है बच्चे हमारी इटार्ड रिएक्शन याद करने का तरीका बताती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी ट्वेल्थ में ठीक है तो मैंने इस तरीके से याद किया था क्योंकि उस टाइम मेरे को नेम रियक्शन याद करना बड़ा टफ लगता था तो so, देखो टी से मुझे याद आता था टॉलवीन की रिएक्शन है टी से क्या याद आता था टॉलवीन बेंजीन पे सी एच थ्री इसकी रिएक्शन करानी है करानी किससे है यहाँ पर ई e को हम देखो मैं बचपन से ऐसे ही लिख रही थी दो बार ऐसे सी तो मुझे दो बार ऐसे सी से याद आया सीआर ओ टू सीएल टू दो बार सी सी आर ओ टू सी एल टू ठीक है डन है सीआर ओ टू सीएल टू के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं ठीक है यू जस्ट है रिएक्शन ऑफ टोलोवीन विध सी आर ओ टू सीएल टू और आप क्या करेंगे डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे आपकी रिएक्शन में पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक है एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे आपके पास डायरेक्टली एक एल आ जाएगा कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करना है वो भी देख लो देखो कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करना है मेरे पास एक CH तो है ही है ये यह देखो यहां पे C, C पे तीन H थे ना तो एक सी एच को ऐसे रन देना एक एक जो एच है वो इस मॉलिक्यूल के साथ भेज देना एक एक जो एच है ना वो इस मॉलिक्यूल के साथ भेज देना आपके पास आ जाएगा ओ सी आर ओ एच सी एल देखो आपके पास आ जाएगा एक ओ फिर एक सी आर एक ओ ये तो है ही है ओ सी आर ओ एक एच आपने इसके साथ भेज दिया सी एल टू का होल्डस हाइड्रोलिस करो यू गेट बेनजल डिहाइड ठीक है इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन एक और चीज बच्चे आप टॉलवीन के साथ स्टार्ट करके यू स्टार्ट विथ टोलवीन आप इसके अंदर डालो सी आर ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ

जेई ब्रीफ भी कंप्लीटेड एक बार जेई ब्रीफ होने दो ठीक है उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके डायरेक्टली चार चार नंबर इंक्रीज करते हैं कॉमन नेम्स हो गया ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गया रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गया ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस मैंने पहले आपको चैनल पे नहीं मिलेंगी जो बच्चे अभी अभी देखना चाहते हैं इसी चैनल पे ऑलरेडी मैं ये वाले सेशंस ले चुकी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिजम्स ये सब है बट इस साल के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड है मतलब जो कॉमन नेम और पूछे जाने लग गए हैं जो हो गए उनको छोड़ दो जो नए एड हैं वो भी मैं इस बार ऐड करके आपके साथ वो सेशन प्लान करूंगी ठीक है बट पहले ये जेई ब्रीफ होने देते हैं आप एक अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक सीख जाओ उसके बाद ही आगे बढ़ने का मजा आता है डन चलिए तो ये भी क्लियर हो गया इटार्ड रिएक्शन क्या होती है ये भी डन है एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे ठीक है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन यू विल डू अनादर ब्यूटिफुल क्वेश्चन अल्डोल कंडेन अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ टॉलेंस भी हम सीखेंगे अभी ये भी आप नहीं कर पाएंगे तो रुको अभी थोड़ा सा और हम सीखते हैं नेम रिएक्शन के बेसिस पर भी है ना दो, दो तीन और नेम रियक्शन में आपको कराती हूँ सबसे पहले आज हम एक बड़ी प्यारी ब्यूटिफुल सी, सी चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंड एल्डोल कंडेंसेशन बच्चे क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन कहा होती है बड़े ध्यान से सुनना मेरे पास एक एल्डिहाइड है या फिर आप एक कीटोन ले सकते हो यू कैन टेक एन एल्डिहाइड और यू कैन टेक अ कीटोन लेट्स से मैंने कीटोन ले लिया अगर इस एल्डिहाइड या कीटोन में मैंने ओ एच माइनस एक्वस डाला या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि आपने के ओ एच डाला या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपने एन एक्वस डाला या फिर आपको मिलेगा कि आपने Na2CO3 एक्वस डाला या फिर आपको मिलेगा कि आपने के एक्वस डाला ठीक है कोई भी बेस वो आपको डालने को दे सकता है आपने इनमें से कोई भी बेस कहने का मतलब मैंने डाइल्यूट बेस डाला मैंने क्या किया डाइल्यूट बेस तो ये डाइल्यूट बेस ध्यान से एक और चीज सुनना बच्चे C डबल बॉन्ड O को आप सर्कल कर लो ये हमारा बाहुबली है मेन फंक्शनल ग्रुप इसके जो बाजू वाला कार्बन है ये एल्फा कार्बन कहता है ये क्या कहलाएगा एल्फा कार्बन अब ये ओ एच माइनस आएगा इस एल्फा कार्बन के हाइड्रोजन जिसको क्या बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन को उठाकर ले जाएगा चोरी चोरी चुपके चुपके ठीक है वो गाना नहीं था हम तुम को उठा कर ले जाएंगे डोली में बिठा कर ले जाएंगे ये वही गाना है ओ एच माइनस कह रहा है कि हम तुम को उठा कर ले जाएंगे डोली में बिठा कर ले जाएंगे समझो ये जो आपके पास बना कार्बो एनायन ये ध्यान से देखना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या आपको नजर आ रहा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइड है स्टेबिलाइज्ड है इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन एज इनोलेट आयन अब ये जो आपके पास इनोलेट आयन बना ये अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा किसकी तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह और जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल था ठीक है एल्डिहाइड या कीटोन का उसके कार्बन पर जाकर अटैक करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ माइनस यहां पर सीएच थ्री है बड़े ध्यान से देखना यहाँ सी एच टू आ गया यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ गया यहाँ सी एच थ्री आ गया चमक रहा है? अब पानी तो था ही मीडियम में तो जब आप इसको पानी देंगे ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच यहां पर आ गया सी एच थ्री यहां आ गया सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इसको बोलते हैं बच्चे एल्डोल प्रोडक्ट क्या कहलाएगा एल्डोल प्रोडक्ट एल्डोल बन गया अगर आपके क्वेश्चन में हीटिंग दे रखा है तो ये पानी रिलीज करेगा देखो एक एच प्लस यहां से ओ एच माइनस यहां से जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा बड़े ध्यान से देखना डबल बॉन्ड सी यहां एच सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री क्या आपको इस पूरी रिएक्शन को यहां तक बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन हमने एल्डोल को क्या कर दिया कंडेंस उसमें से पानी निकाल दिया एल्डोल कंडेंसेशन कराने पर ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप ये एल्फा ये बीटा क्या आपको एल्फा बीटा अन कीटोन नजर आ रहा है क्या आपको नजर आ रहा है यू गॉट एल्फा बीटा अनसेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वो कीटोन भी हो सकता है एल्डिहाइड भी क्या हर जगह मैकेनिज्म करके देखना जरूरी है हां जी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मैकेनिज्म करना जरूरी है बट अब आपको हैश टैग एक बढ़िया सा शॉर्टकट भी सिखाएंगे देखो क्या है शॉर्टकट मान लो आपके पास सी एच थ्री एक एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है आपने कीटोन लिखना है और आपके पास एक दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन है आप जो दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन लिखेंगे वो पहले वाले सी डबल बॉन्ड ओके सामने लिखेंगे सी डबल बॉन्ड होके सामने लिखेंगे दूसरे वाले का अल्फा कार्बन इन दोनों को पास लेकर आएंगे गाना गाएंगे हम तुम को उठाकर ले जाएंगे डोली बिठा कर ले जाएंगे याद रखेगा आपके पास ओ एच माइनस एक्वस होना चाहिए मगर ये जो एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं ये केवल वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा What if, मान लो, मेरे पास कंपाउंड है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच मेरे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब मैं रिएक्शन क्या कराऊंगी तब डाइल्यूट बेस से कुछ नहीं होगा क्योंकि ओ एच माइनस जाएगा ऊपर आएगा नीचे आएगा चला जाएगा नो रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस को कराने के लिए मुझे कंसंट्रेटेड OH- लेना पड़ता है या फिर आपके बुक्स में लिखा होगा 50% OH- वेरी वेरी कंसंट्रेटेड बेस तो जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बेस लेंगे तो एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करा देना और दूसरे की CH2OH रिडक्शन करा देना वन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन वन विल अंडरगो रिडक्शन क्या बन जाएगा C6H5 सीओ माइनस और सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ एच इस रिएक्शन का नाम हैारोज रिएक्शन चमका अब इसका मैकेनिज्म आना जरूरी है इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे ध्यान से देखो मेरे पास है एच सी ओ एच ठीक है हमने ओ एच माइनस लिया कॉन्सेंट्रेटेड अब वो ये प्रोटॉन एसिडिक तो है नहीं जो खुद से निकलेगा ये ओ एच माइनस जाएगा इधर आएगा ये ऊपर जाएगा एच सी ओ माइनस यहाँ ओ OH, एच ये H है। अब ये देख रहा है मैं क्या करूं ये तो अनस्टेबल है ये मेरे पास वापिस एक एल्डिहाइड था ये ओ माइनस कम बैक करेगा एच माइनस एच माइनस निकलता है यहाँ पे याद रखना यहाँ एच माइनस का निकलना स्लो स्टेप होता है एच माइनस का निकलना आसान नहीं होता ये हाइड्राइड है h- निकलेगा ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या बन जाएगा hco-h और एक और h अब आप देखेंगे मैंने जब आंसर लिखा था तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ माइनस लगाया था क्यों क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ज्यादा अच्छा एसिड होता है ये o-h+ को खींच आएगा तो मेरे पास सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साथ में बनेगा एल्कोहल तो एक ही की ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक ही की रिडक्शन भी हो रही है इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं कैनिज आरोज रिएक्शन इस तरीके की रिएक्शन को ठीक है इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है डन चलो डन है अब एक क्वेश्चन करते हैं अब क्वेश्चन करते हैं अब हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन अच्छा उस क्वेश्चन को भी करने से पहले एक और नेम रिएक्शन हमारी रह रही है वो भी करा देती हूं इस नेम रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं दिस नेम रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलो फॉर्म टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं क्या है हेलो फॉर्म रिएक्शन या हेलो फॉर्म टेस्ट ठीक है ये देखो ध्यान से देखना मेरे पास थ्री है ठीक है आई हैव आर सी ओ सी एच थ्री ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है बच्चे ये आर सी ओ एच सी एच थ्री भी दे सकता है या फिर आर सी एच सी एच थ्री और एक्स मतलब ये हो ये हो या ये हो ये वन सेकेंड देखो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है या तो इसको बोलते हैं बच्चे मिथाइल 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 कीटोन मिथाईल कीटोन मिथाईल कीटोन मतलब मेरे पास एक कीटोन होना चाहिए जिसकी एक साइड पे मिथाइल फिक्स है या फिर आइसो है ना या फिर आपको ये वाला ग्रुप दिखाई देना चाहिए सी एच सी एच थ्री और ओ OH, एच ये फिक्स होना चाहिए या फिर आपको सी CH एच पे सी एच थ्री एक हेलोजन दिखाई देना चाहिए इनमें से कोई भी अगर आपको होगा तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या होता है हेलोफॉर्म टेस्ट बड़े ध्यान से देखना सबसे पहले आपने क्या करना है आपने केओएच के साथ रिएक्शन करनी है व्हाट यू विल डू यू विल डू द रिएक्शन विद केओएच तो ये जो एक्स है ये ओएच OH में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ओएच OH इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी या फिर आर सीओसीएच3 तो डायरेक्टली ही है हमने क्या करना है मान लो मेरे पास आर सीओसीएच3 है आपने इसकी कोच के साथ रिएक्शन कराई ये पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा क्या करेगा एसिड बेस रिएक्शन कार्बन के है ना एल्फा कार्बन के प्रोटॉन को लेकर आ जाएगा आर सीओ सी एच टू पे माइनस बनेगा ठीक है अब आपने इसकी रिएक्शन करानी है आयोडीन के साथ किसके साथ रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ तो होगा क्या सी एच टू माइनस इस I डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा ये I माइनस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा क्या बन जाएगा RCO ये बन गया अभी भी रिएक्शन रुकती नहीं है आर सी एच ओ सी एच टू आई बनने के बाद भी अगर आपने और ओ एच माइनस डाला ये एसिडिक प्रोटॉन को लेगा आर सी ओ सी एच माइनस आई फिर से अगर आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करी इधर ये निकल जाएगा आर सी ओ सी एच आई टू अभी भी एसिडिक प्रोटॉन है ओ एच माइनस आएगा आर सी ओ सी आई टू पे माइनस फिर से आयोडीन के ऊपर रिएक्शन हुई क्या बन जाएगा आर सी ओ सी आई थ्री यहां तक चमक रहा है अब अभी भी के ओ एच का काम है हर जगह एसिड बेस एसिड बेस ही हो रहा है अब ये OH- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इसको अटैक करेगा RCOO- यहां OH यहां CI3 ये O- कम बैक करेगा CI3 लीव कर जाएगा मेरे पास बन जाएगा RCOOH+ CI3- CI3- इस H+ को ले जाएगा मेरे पास बन जाएगा RCOO- CH3 ये जो मेरे पास CH3 बना ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है तो ये हमें इसी को हम आइडोफॉर्म बोलते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो गया आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर अगर सी एच सी एल थ्री बना होता तो क्लोरोफॉर्म सी एच बी आर थ्री बनाता तो ब्रोमोफॉर्म तो पुराने जमाने में क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बनाया जाता था बट आजकल हम क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म नहीं बनाते हैं है ना क्योंकि जो प्रेसिपिट क्लोरोफॉर्म तो गैस हो गई उसको सूंघोगे तो ऐसे बेहोश हो जाओगे तो वो बंद कर दिया ब्रोमोफॉर्म लिक्विड बनता है ठीक है जिसके अच्छे प्रेसिपिटेट मुझे प्रेसिपिटेट चाहिए तब मेरा काम होगा इसीलिए हम रिएक्शन ठीक है इसीलिए जो हम रिएक्शन है वो किसके साथ कराते हैं द रिएक्शन इज डन विथ आयोडीन ये चमक गया बच्चे मैं काफी देर से है ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं अवॉइड कर रही थी कि क्यों मतलब हर बार क्लास में ये बोलने की जरूरत पड़ती है बट सीरियसली बच्चे शेम ऑन यू ठीक है मतलब सीरियसली शेम ऑन यू गाइस मेरे को एक सेकंड लगेगा मैं क्लास बंद कर देती हूं ठीक है मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने क्लास क्यों बंद किया क्यों नहीं बंद किया बट अगर इस तरीके का बिहेवियर मतलब मैं बताती हूँ ये जो बच्चे हमारी चैट में गंद लिखते हैं ना ठीक है जो गंद लिखते हैं कि आई लाइक यू आई लव यू तुम्हारे बिना रह नहीं सकरा आप एक टीचर के लिए अगर ऐसी घटिया चीज़ें क्लास में यूज कर रहे हैं ठीक है तो सीरियसली शेम ऑन यू मैं बहुत देर से इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है मैं नहीं क्लास का माहौल खराब करती बहुत सारे बच्चे सीरियस नोट पर पढ़ाई करते हैं यहां पर मैं क्यों क्वालिटी खराब करूं क्लास की बट अब एक लिमिट हो गई है ठीक है और ये बच्चे मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी ठीक है आई नीड योर सपोर्ट बच्चे आई नीड योर सपोर्ट टूडे ये वो बच्चे हैं जो खुद से नहीं लिख रहे हैं ठीक है इनको पैसे दिए जाते हैं और तुम पैसे सुनोगे ना पचास में सौ बार स्पैम करना दो सौ बार स्पैम करना दिस इज वॉट दे गेट और ये इतनी मतलब ठीक I, I really है really मतलब मुझे लगता है कि यार अगर कोई बच्चा YouTube पर आकर पढ़ रहा है ठीक है मतलब टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं मैं कह रही हूँ इस चैनल पे जो क्वालिटी कंटेंट तुम्हें मिल रहा है तुम्हें दुनिया के किसी चैनल पे मिल रहा हूँ ना दोबारा इस चैनल पे मत आना ठीक है आज तक मैंने ये नहीं कहा कि तुम सब्सक्राइबर हो है ना सब्सक्राइब करो मेरे व्यूज बढ़ेंगे है ना या फिर आई आई नेवर प्ले दिस गेम मतलब ये ये बहुत ही चीप है बच्चे स्टॉप डूइंग दिस 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 रियली नीड्स टू बी स्टॉप मतलब आपको क्या लगता है बच्चे एट एक मेरे को एक बार बताओ ठीक है मेरी जगह पर अगर आपकी कोई बहन होती मैं आपसे कितनी ही बड़ी हूँ आपकी बड़ी बहन भी तो है ना सपोज करो आपकी मम्मी टीचर है ठीक है आपकी बहन टीचर है और वो एक जगह पर जाकर पढ़ा रही है और मेहनत से पढ़ा रही है राइट लास्ट कितने कितने इस इस सेशन को ही कितना टाइम हो गया ना एक घंटे से मैं एक घंटा दस मिनट हो गया मैं एक घंटे दस मिनट से कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ और ऐसे बच्चे पहले एक नाम से ही आया उसको मैंने ब्लॉक किया फिर ये दूसरे नाम से बच्चा आया मतलब आपकी खुद है ना घर में बहन है आपकी खुद मदर है वो अगर वर्किंग होए और वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? और उनके आगे ऐसे तुम ये लिख रहे हो तो तुम्हें अच्छा लगता है ये शोभा देता है, मतलब? ठीक really है? एक मतलब आई यार, आज मैं सेशन ही बंद कर देती हूँ दिस इज दिस इज सो नॉट डन मैं अपने छोटे से बेटे ओल्ड उसको सुबह नौ बजे अकेला छोड़कर आती हूँ ठीक है तुम बच्चों की लाइफ सुधर जाए तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं रात के दस बजे वापस उससे मिलती हूँ फॉर वॉट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इन माई क्लास यू नीड टू बिहेव योर सेल्फ बच्चे इन लोग को तो मैं क्या ही कहूँ है ना जो लोग दस बीस रुपए के लिए इतने बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं उनको मैं क्या ही कहूँ मतलब मैंने ये जो भी बोला ना मैं हर उस इंसान को बोलना चाहती हूँ जो इनको दस दस बीस बीस रुपए दे के ना ऐसे घटिया लैंग्वेज क्लास में यूज करने को बोलते हैं दीज आर ये अपने मन से नहीं करते हैं दीज आर पेड पेड लोग इनको मतलब है ना जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पैसे देती है कि जाओ तुम इनके आगे इनकी क्लास में आके लिखो क्यों क्या क्या दिक्कत हो रही है अगर क्वालिटी कॉन्टेंट दिया जा रहा है बच्चों को वॉट इज द प्रॉब्लम मतलब सीरियसली बच्चे मतलब आज पढ़ाने का मतलब मैं कई बार ना बहुत दुखी होती हूँ अंदर से फिर भी बड़े एक स्माइल करके है ना फेस पे एक स्माइल होती है कि बच्चों तक वो बात नहीं जानी चाहिए ठीक है जो भी लाइफ में चल रहा है बच्चे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स और खुशी खुशी बच्चा पढ़ना चाहिए बिकॉज बच्चा यहाँ पर आता है दो घंटे हमारी लाइफ की दुख दुविधा सुनने के लिए नहीं कुछ सीखने के लिए आता है बट आज तो मतलब सीरियसली यार मतलब लिमिट हो गई है लीव इट चलो ठीक है कर रही हूं बट लेट मी टेल यू की मैम इज डन ठीक है आई एम डन एक बार और ये गंध किसी ने किया ना मतलब आई विल स्टॉप टीचिंग सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है चलिए तो ये आयोडो की रिएक्शन हो चुकी है हमारी एक और नेम रिएक्शन बच्चे आज हम करते हैं ठीक है ये जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है गेट अ कॉच रिएक्शन इस नेम रिएक्शन का नाम है गेटमैन कॉच रिएक्शन आपको क्या इस रिएक्शन का मेकेनिज्म करना है नहीं यू डोंट नीड टू डू द फॉर दिस रिएक्शन आपको बस ये याद करना है कि अगर आपके बेंजीन पे हमने सीओ डाला कार्बन मोनोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी ठीक है और ये रिएक्शन में एनहाइड्रस एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में करा रही हूं दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इट का फॉर्मेशन है इससे ज्यादा आपको इस रिएक्शन के लिए मैकेजम करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ इतना याद रखिए आपके पास बेंजीन है ये क्वेश्चन करके दिखाइए लेट्स डू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्स आप ये गिवन रिएक्शन को कंसीडर करिए और आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट एक्स इन द रिएक्शन ये आपका जय मेन्स का प्रीवियस या क्वेश्चन है जेई मेन्स का प्रीवियस या क्वेश्चन है प्लीज डू दिस क्वेश्चन क्या करेंगे सबसे पहले तो ये देखो मैम यहां पर मुझे एक कीटोन नजर आ रहा है और मैम इस कीटोन में यहां पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं जैसे ही एनईओ दिखाई दिया ना मुझे चमक गया मैम ये तो बेस है बेस है तो मैम ये एसिडिक प्रोटॉन लेगा अभी मैं आपके क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली डाउट हो रहा होगा मैं उस डाउट का भी आंसर करूंगी आफ्टर फाइव मिनट्स तो मैंने कहा मैम ये ओ एच माइनस जाएगा इस एसिडिक प्रोटॉन को लेकर आ जाएगा यहां पर नेगेटिव बन जाएगा उसके बाद हमने सी एच थ्री एच के साथ रिएक्शन करी ये नेगेटिव इधर जाएगा ये अटैक इधर करेगा क्या बन जाएगा यहां आ गया सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है यहां पर बन गया देखो सी एच यहां पर आ गया ओ माइनस यहां आ गया सी एच थ्री की मेरा मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए उसने मेजर की बात करी है यहां सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ मेरा सी एच यहाँ ओ एच और यहाँ मेरा सी एच थ्री हीटिंग दे नहीं रखी मैंने सिर्फ एल्डोल बना दिया कह रहे अब एल्डोल के अंदर जो भी आपके पास बना उसके अंदर आप आयोडीन डालेंगे एन की प्रेजेंस में उसको फिल्टर कर लेंगे मतलब कुछ नहीं आइडोफॉर्म रिएक्शन है आपको दिखाई दे रहा है जब आपकी आइडोफॉर्म मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे ये सी एच थ्री सी एच ओ एच अगर आपको दिखाई देता है आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म पूरा का पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है आप क्या करेंगे इसको पहले तो सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देना क्यों क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा राइट अभी मैंने आपको सिखाया अच्छा एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गई एक और चीज़ है ना मैं बोलने ही वाली थी और वो स्पैमर है ना सो कॉल्ड पेड स्पैमर आ गए हमारी क्लास में और सारा दिमाग घूम गया मेरा ये देखो ये जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना इसमें बच्चा बस ये रट के चलता है कि आयोडीन मिलेगा के की प्रेजेंस में या फिर आयोडीन मिलेगा एनओ की प्रेजेंस में अभी जिद में मैं कल परसों सिखा रही थी कि अगर मैंने लेट्स से एक्स टू की रिएक्शन कराई एनएच के साथ तो आपके पास एनएक्स और एनएओ एक्स बनता है तो कई बार आपको पेपर में ना ये एन ए ओ आई भी लिख कर दे सकते हैं है ना एन ए प्लस ओ के माइनस भी लिख कर दे सकते हैं तो ये एनी ऑफ द फोर थिंग्स कैन बी गिवन टू यू फॉर आइडो रिएक्शन तो कन्फ्यूज मत हो जाना कल को एन ए ओ आई भी लिखा हुआ है जेई में तो कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है तो यहां पर होगा क्या मैम ये देखो ये तो मेरे पास मिथाइल कीटोन बन गया एक बार आपके पास मिथाइल कीटोन बना आपने आइडो फॉर्म करानी है तो मेरे पास ये बन जाएगा और फाइनली देखो कह एच सी uh, डाल तो डाले ये बन जाएगा सीओ ओ एच साथ में आ जाएगा सी एच आई थ्री आइडो फॉर्म सो so, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यही है ना यस द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी डी चमक गया So was was चलिए तो एल्डोल, हो चुका है। इसने एल्डोल का भी सवाल पूछ लिया साथ साथ फॉर्म भी पूछ लिया एक अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे यस नाउ आई थिंक यूल बी एबल टू डू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस यहां पर दे रखी है आप इस रिएक्शन सीक्वेंस को कंसीडर करेंगे ठीक है अच्छा एक एक क्वेश्चन अभी हमारा पीछे भी रह गया वो भी मैं आपको कराती हूं कह रहे इस रिएक्शन सीक्वेंस को कंसीडर करिए और मुझे मेजर प्रोडक्ट बी बताइए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है जेई मेंस का ये वही है देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल अब जिसने नहीं पढ़ रखा उसको चमकता ही नहीं है है ना जिसने पढ़ रखा है उसको एकदम से चमकता है कि मैम कुछ नहीं आपने सिखाया था सी एन सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाता है अगर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी डायरेक्ट सवाल था ए बन गया कह रहे ए बन गया अब आप इसके अंदर सी एच थ्री सी एच ओ डालो डायल्यूट एनओ एच की प्रेजेंस में तो मैंने कहा ओके इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो ये जो सी एच थ्री सी एच ओ है ये OH और हीट भी दे रहेगा हीट आपको एक शॉर्टकट बताती वैसे ठीक है आपको यहां तक चमक गया मैम एल्डोल कंडेंसेशन कंड एन एच टू तो, तो गायब होगा नहीं एनएच टू तो, तो गायब होगा नहीं तो मेरे पास आंसर या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा इन्होंने तो एन टू को गायब कर दिया एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे थे अब इनमें भी जहां जहां आपको आ, वो मिलता है ना क्या कहते हैं रेजोनेंस वही आंसर होता है तो एक मेरे को ये सही लग रहा है यहाँ पे एन के साथ डबल बॉन्ड कैसे हो गया सी भी नहीं हो सकता यहाँ एन बीच में कैसे हो गया डी भी नहीं हो सकता तो डायरेक्ट आंसर बी आएगा अब वो मेरी नजरों से मुझे दिख गया कि आंसर बी है बट अगर किसी को ना चमके तो देखो ओ एच माइनस आएगा एच प्लस को ले जाएगा क्या बन जाएगा हमारे पास बन गया सी एच टू पे माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एच और मेरे पास क्या था हमारे पास यहाँ पर एन एच टू है यहाँ पर क्या है हमारे पास सी ओ एच कुछ नहीं ये इधर अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा ये यहाँ आ गया एन एच टू यहाँ आ गया सी एच पे ओ OH एच आ जाएगा ये सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच हीटिंग दे रखा था तो मैंने कहा पानी निकाल दो पानी निकालोगे तो क्या आएगा सी सिक्स एच फाइव यहाँ आ गया एन एच टू यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच देख लो आंसर आ गया बी मतलब जब भी एल्डोल कंडेंसेशन के सवाल आते हैं ना जब भी एल्डोल कंडेंसेशन के सवाल आते हैं तो आपको निश्चिंत रहना है फाइनल आंसर वही बनेगा जहां पर आपको आ, रेजोनेंस दिखाई दे रही है ठीक है एक अगला सवाल आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पहले करना था वो रह गया था हमारा तो लेट्स वो सवाल कहां गया ये रहा कह रहे ऑक्सीडेशन ऑफ टोलोवीन टू बेंजलडीहाइड टोलुविन की के साथ टोलुवीन की ऑक्सीडेशन करनी है। करनीट में कैन बी कैरिड आउट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इनमें से कौन से रिएजेंट के साथ आप की जो कन्वर्जन है को बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टोलुविन अभी अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट या तो सी Cl2 टू डाल दो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में या फिर आप सीआर थ्री डाल दो एसिटिक एन हाइड्राइड सी एच थ्री सीओ सीओ सी एच थ्री की प्रेजेंस में कर देना, तो ये, वाला था, reaction, ये दो दोनों रिएक्शन आप कर सकते हो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में नहीं सीआर एन एसिटिक एन हाइड्राइड एच सीओ प्लस की प्रेजेंस में ठीक है सो दिस यू कैन डायरेक्टली डू और ये देखो कह रहे सीओ एच सी एल डालना है एनहाइड्रो सी एस सी एल थ्री प्रेजेंस में ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन था ना कि टोलुइन्स है तो दिस इज नॉट द आंसर KMnO4 नहीं डालना था बी इज द करेक्ट आंसर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आप बच्चे कर रहे हो ठीक है चलो डन तब हो गया अब दो छोटी-छोटी चीजें -छोटी रह गई हैं वो भी मैं आपको करा देती हूँ एंड आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर लिया है सबसे पहली चीज बच्चे अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है ध्यान से सुनना या फिर आपके पास एक कीटोन है एल्डिहाइड की रिएक्शन आप ROH के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में मतलब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले H प्लस का H प्लस पे अटैक करेगा कौन ऑक्सीजन OH प्लस बनाएगा ये H है फिर आर आकर के अटैक करेगा ओ का ये अटैक किया ये ऊपर गया क्या बन जाएगा आर सी ये ओ एच आ गया एक एच लगा हुआ था ओ एच आर डॉट डॉट पॉजिटिव एच प्लस यहां से निकल जाएगा क्या बन जाएगा आर सी ओ एच यहा एच यहां ओ आर अगर अभी भी है ना आपने एल्कोहल डाल रखा है तो वंस अगैन मीडियम एसिडिक करोगे ये ओ जो है एच प्लस पे अटैक करेगा क्या आ जाएगा आर सी एच एक ओ आर और ये ओ एच टू पे पॉजिटिव अब फिर से एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे वाटर यहां से निकल जाएगा क्या बन जाएगा -O -R -O -R. बच्चे इसको बोलते हैं ध्यान से देखना आपने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया आपके पास ये देखो अगर एक आर सी एच है एक ओ एच और ओ आर है इसको बोलते हैं हेमी एसीटल हेमी एसीटल और अगर आपके पास आर सी एच है और दोनों ही ओ आर ओ आर है ठीक है दोनों ही क्या है मेरे पास ओ आर ओ आर इसको बोलते हैं एसिटल इसको क्या बोलते हैं एसीटल चमक गया अब सेम चीज अगर आपने कीटोन अब शॉर्टकट सीखो इतना बड़ा मैकेनिज्म हर जगह करके देखने की जरूरत नहीं शॉर्टकट सीखो मेरे पास क्या करना है आर ओ एच डाला ना इसको ओ एच बना देना आर तो था ही था एक ओ आर लगा देना आर सी आर नजर आ रहा है इसको बोलेंगे हेमी हेमी क्यों क्योंकि एक ओ एच एक ओ आर है, हैमी कीटर अभी भी मन नहीं भरा और आर ओ एच डालोगे एच प्लस की प्रेजेंस में आर सी ओ आर ओ आर एक आर ये सी नजर आया तो समझ गया कि मैम कीटोन से है दो ओ आर ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटर हेमी एसिटल, एसिटल हेमीकीटल, कीटल ये किसके काम आता है ये भी सीखो मान लो मेरे पास ठीक है ये है एक सी एच ओ ग्रुप है ओके? यहां पर लेटर से मेरे पास सी ओ सी एच थ्री है मुझे सी ओ सी एच थ्री की फाइनली रिएक्शन करानी है मुझे एल्डिहाइड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी सपोज करो मैं चाहती हूं कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दे ये सी एच ओ रहे और यहां पर सी एच एच OH और सी एच सी आ जाए अगर मैंने इसके अंदर जस्ट इमेजिन एल आई एल एच फोर डाला तो वो इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा इसको भी बट मैं चाहती हूं कि इसको कुछ ना सिर्फ इसको कन्वर्ट करें ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में ये वाला जो ग्रुप है इसकी मुझे प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसके अंदर पता क्या डाल देंगे ऐसा सी एच टू सी एच टू एच ओ एच इथिलीन इथिलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल तो डालने से क्या हुआ देखो ये वही तो है एल्कोहल एक बार एल्कोहल दूसरी बार यहां से आपने कुछ नहीं करना पानी निकाल देना है. यहां से कुछ नहीं करना पानी निकाल देना है मतलब मैंने कुछ नहीं किया हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल वाला गेम खेला ये बन गया सी ओ सी एच थ्री यहां देखो क्या है यहां पर एक कार्बन है कार्बन पे हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक ओ ये जुड़ा हुआ है ये एक ओ ये अब आप इसके अंदर एल आई एल एच फोर डालो सबसे पहले और दूसरा इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मतलब अगर आपको एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप को प्रोटेक्ट कराना है तो आप इसका हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल का यूज कर सकते हैं डन चलिए सो आई थिंक मैक्सिमम Uh, जो सवाल हैं वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर ही लिए हैं एक सवाल हमारा बच गया है वो आप कर दीजिए यस सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज लेफ्ट विच आई वॉन्ट यू ऑल टू डू जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो एक इस सवाल का आंसर कर दो डी एक बार चेक कर लेते हैं चेक करते हैं कह रहे हैं एन हाइड्रो की प्रेजेंस में अभी अभी हमने पढ़ा बेंजल्डिहाइड है गेटरमैन कॉच रिएक्शन तो ए का आंसर टू होना चाहिए ले मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था ए की ऑप्शन में एक आंसर टू है फिर भी ये देखो एन एक्स अभी अभी सिखाया आइडो फॉर्म रिएक्शन है

ठीक है ये जेई मेंस 2022 या 21 आपको चेक करना पड़ेगा तो 2022 या 21 का सवाल है और ऐसा ही सवाल सेम 23 में पूछा गया था मैच द फॉलोइंग करके ठीक है तो ये था हमारा सारा का सारा डिटेल अबाउट एल्डिहाइड्स कीटोनस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आई होप ये चैप्टर आपने बहुत ही तसल्ली से अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं अब हमारा ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर बचा है जिसका नाम है अमीन्स नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स वो भी बहुत स्कोरिंग है तो अगर किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक के ये छह चैप्टर्स ये पांच या छह चैप्टर्स जैसे जीओसी हो गया हाइड्रोकार्बन्स हो गया हेलो एल्केन्स हैलोअल्किलोरिन हो गया फिनोल ईथर हो गया एल्डिहाइड एलडीहाइ्रीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन्स ये छे चैप्टर्स अगर आपने लेट से ब्रीफ से भी देख लिए ना तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक में मतलब वो सिचुएशन नहीं होगी कि हमें लग रहा था ए आंसर है मगर आंसर तो डी था एटलीस्ट ये सिचुएशन तो आपकी नहीं हो सकती आप डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो परफेक्ट ही कर, कर आएंगे आपने वो जो तुक्केबाजी सीख रखी थी ना वो तुक्केबाजी आपको नहीं मारनी पड़ेगी पेपर में ठीक है तो एक और चैप्टर है अमीन वो भी आपको जरूर 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 से करना है बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं जैसे आपने देखा मतलब हेलो हेलो हैलोएल उतना आसान नहीं था फॉर अ स्टूडेंट एल्कोलफिनोलर भी कई बच्चों को मुश्किल लगता है बट एल्डिहाइड एलडीहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इजीएस्ट चैप्टर है कुछ छोटी छोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके आंसर्स फटाफट आ जाते हैं और आई थिंक अब ये भ्रम तो क्लियर हो ही गया होगा कि मैम हर अः रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें करना है ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है ऐसा भी नहीं करना है ना देर आर अ फ्यू रिएक्शन जिनका मैकेनिज्म सुपर इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं मतलब वो अगर आप करते चलेंगे तो आपका सारा का सारा काम सॉर्टेड है आपकी ऑर्गेनिक एकदम सफल हो जाएगी ठीक है सो दैट इज इट फॉर टूडे सेशन फ्रॉम माई साइड अब हम मिलेंगे अगले सेशन में जो कि ठीक है जो कि अगले तीन मिनट में ही है अच्छा सेवन फोर्टी टू हो गई है आज तो पता ही नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते तो अगले तीन मिनट में मैं वंस आपसे मिलूंगी आज हमारा जिद का डे नंबर फोर्टी फोर है सो वेरी सून वी आर गोइंग टू बी डन विद आर जिद सीरीज ऑल्सो तो बहुत अच्छी चली हमारी जिद सीरीज तो खैर अब जिद की बातें हम जिद में ही करेंगे ठीक है तो so, यस yes, जिन बच्चों को इनऑर्गेनिक से डर लगता है ब्रीफ uh, में तो हम इनऑर्गेनिक थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे तो मेक श्योर sure आप जिद को फॉलो कर सकते हैं सो आई विल बी मीटिंग यू लाइव आफ्टर अनादर थ्री और फोर मिनट्स मुझे ये बंद करके स्ट्रीम दोबारा डालनी पड़ेगी uh, वो नोट्स भी ये वाले आपको मैं शेयर कर देती हूँ हाँ जी तो ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स आपको मैं ऐप uh, पर डाल दूंगी आप ऐप से सारे नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है मैम शुड आई फॉलो एम एस चौहान बुक सम क्वेश्चन आर रियली क्लियर कॉन्सेप्ट बट सम क्वेश्चन कन्फ्यूज मी टू बच्चे एम एस चौहान इज अ रियली गुड बुक आई मस्ट से बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट बुक और अगर आप कर रहे हैं वो बुक तो किसी की गाइडेंस में करिए बिकॉज उस बुक में इतने सारे सवाल हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट द बुक इन जस्ट थ्री मंथ देर आर सो 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 मेनी क्वेश्चन इन द बुक राइट तो uh, कोशिश करिए अगर कर रहे हैं तो अपनी टीचर की गाइडेंस में करिए उनको बोलिए कि कौन कौन से सवाल करने हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज हैड इट बी इन वन ईयर लॉन्ग ठीक है आपके पास टाइम होता तो मैं जरूर बोलती कि ज़रूर करो मैं अपने खुद बहुत सारे मेरे डी बी पीस के सवाल एम एस चौहान के होते हैं दे आर रियली गुड क्वेश्चन बट अभी के लिए आपको पी वाई क्यू पे फोकस करना है फर्स्ट डू पी वाई क्यूज वो हो जाते हैं कॉन्फिडेंस आता है देन यू मूव ऑन टू डिफरेंट क्वेश्चन बट अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग पी वाई क्यूज नहीं करो प्लीज ठीक है डोंट डू मतलब बुक नो डाउट इज़ वेरी गुड बट अभी कम्प्लीट नहीं कर पाओगे एक चैप्टर में इतने सवाल हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा करना कौन सा नहीं करना तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे इट्स बेटर कि डू प्रीवियस क्वेश्चंस बिकॉज आपको पता चल जाएगा इसी लेवल के क्वेश्चंस मेरे पेपर में आते हैं ठीक है चलिए सो दैट इज इट फॉर टुडे आई विल बी मीटिंग यू आफ्टर अनदर फाइव सेवन मिनट्स इन आज सीरीज थैंक यू सो मच टेक केयर